नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। और आज थोड़ा सा सेशन रात में चालू कर रहा हूँ और थोड़ा सा लेट हो गया है, तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन लाइव क्लिनिक लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और ख़ासकर अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आप मेरे ईमेल आईडी मतलब कीर्ति विक्रम सिंह परिहार @gmail.com पे जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है वो आप लिखें, अपना नाम और उसके बाद समस्या, और सेंड, और इसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ज़रूर सेंड करें जिससे पता चल सके कि आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। और अगर आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए कंसल्टेंसी फ्री है, बस मैसेज आएगा, पे करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चन करते हैं, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है उसका, जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ वो एजुकेशन पर्पज़ से है, उसे पढ़ें समझें। और होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए आप होम्योपैथिक शॉप में जाएं, वहाँ डॉक्टर आप लीजिए। चलिए सवाल आपके लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा समय लगेगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए। मैं देख लूं और उसके बाद आपके पास लेना चालू करता हूं फटाफट से, क्वेश्चंस। तो बस एक मिनट का समय मुझे दीजिए, जब तक आप सवाल करिए और लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। इस बीच अनीशा जी का हेलो है, हेलो अनीशा जी। इसके बाद यशवंत कुमार जी, रवि जी का हेलो, हेलो रवि जी, और राम जी हेलो, और उसके बाद आफरीन ताज जी हेलो, निर्मल जी थैंक यू सो मच निर्मल जी, और काफ़ी लोग हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा आ जाए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नेट क्यों यहाँ पर थोड़ा सा कम चल रहा है। एक सेकंड मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ और उसके बाद कनेक्शन, चलो इससे ही कनेक्ट कर लेते हैं। और अब आ गया है, और बस थोड़ा सा समय लगेगा, विद इन वन मिनट का समय लगेगा और मैं आपको आंसर दूंगा। तब तक यहाँ से मैं आपको आंसर देता हूँ, हेलो जी। और उसके बाद डाइवर्टिकुलाइटिस की अगर मोस्टली समस्या रहती है ना, तो मोस्टली आपको डाइवर्टिकुलाइटिस में हाइड्रास्टिस बहुत ही बढ़िया दवा है, और हाइड्रास्टिस मदर टिंचर आप लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, और साथ ही साथ आप मर्क सॉल्ट हैटी 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करें, और साथ में आप एक मेडिसिन R5 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मयंक प्रताप जी का एक सुपर चेयर, एक नॉर्मल चेयर ही था। मयंक जी का सवाल है, सब पथरी की दवा बताएं, एज जो है वो लगभग 40+ है। देखिए पथरी की अगर मोस्टली समस्या हो तो पथरी के लिए आप बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टेंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, साथ में आप क्लियर स्टोन ड्रॉप 20 बूंद आधे कप यूज़ करें, साथ में आप लाइकोपोडियम 200 2 बूंद शाम को यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3-4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी हेलो बोल रहे हैं, तो आप सबको हेलो, और दीपक जी को स्पेशली हेलो। और एक सवाल है, और ये सवाल है शिवानी जी की तरफ से। सर मैं शिवानी, मुझे हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए आपको हेयर फॉल की अगर काफ़ी प्रॉब्लम हो तो आप हेयर केयर फॉलिंग टैबलेट यूज़ करें। एक मैंने वीडियो बेस पे अपलोड किया था तो आपने देखा ही होगा, हेयर केयर फॉलिंग टैबलेट आप लगभग 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को यूज़ करें, और साथ ही साथ आप ज़ेबरेंडी ऑयल वीजल कंपनी का लगाएं रेगुलरली, बहुत ही बढ़िया और इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो ज़रूर ये मेडिसिन यूज़ करें। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी फ़िलहाल 170-180 लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है,
कुमार संजीव जी का सर में नानी हैं और उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, दवा बताएं सर, एज उनकी 55 साल है। देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर आर ए फैक्टर पॉजिटिव है तो R11 ज़रूर दीजिए। डॉक्टर रेक्वे की R11 ड्रॉप आती है लगभग 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दीजिए, और साथ ही साथ आप एक मेडिसिन और एक्टिया स्पाइकेटा 200 दो बूंद सुबह शाम और रक्सटॉक्स 200 दो बूंद सुबह शाम दीजिए। ये मेडिसिन आप एक महीने तक दीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें। बहुत ही बढ़िया और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है भावेश गढ़ा जी का, सर मुझे वन डॉक्टर ने कैनाबिस क्या लिखा हुआ है सिनाबेरिस 0/20 और मर्कसॉल 0/10-15 ड्रॉप्स लेने को कहा है, उसके बाद मेरा जो इसकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, एग्रावेशन हो सकता है और डोजेस ज़्यादा हैं, एंटीडोट बताएं। देखिए आप जिन्होंने दवा आपको प्रिस्क्राइब की है उनके पास एक बार और आप चले जाइए और उनसे पूछ लीजिए कि ये मेडिसिन, क्योंकि मुझे मर्कसॉल का पता है मोस्टली पेट की दवा है, लेकिन उन्होंने किस, क्योंकि मर्कसॉल के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो किस आधार पे उन्होंने दवा प्रिस्क्राइब की है, क्या माइंडसेट रहा है उनका, ये मुझे नहीं पता है। तो बेटर ये है कि अगर आपने डॉक्टर को दिखाया तो एक बार और जाइए, उनसे बात कर लीजिए, समझ लीजिए और उनसे मेडिसिन चेंज करवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरा 5X आई पावर कॉम्बिनेशन दो बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए गढ़ा जी, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर मुझे लगभग 3 साल से कुछ भी नमकीन खाने पर बहुत तीखा लगता है और कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। देखिए अगर तीखापन आपको ज़्यादा लगता है तो मुझे लगता है कि तीखापन अगर ज़्यादा लगे तो आपको कैप्सिकम यूज़ करना चाहिए। हालांकि कैप्सिकम भी जो है वो तीखे से मिर्ची से बनती है, लेकिन तीखापन ज़्यादा लगे तो कैप्सिकम 200 दो बूंद सुबह सुबह हर संडे और वेनेसडे लें, एसिड नाइट्रिक 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम लें और नक्स ओमिका 200 दो बूंद शाम को यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक लीजिए, आराम लगे तो इसे कंटिन्यू करें, काफ़ी बढ़िया दवा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शाबिर जी के तरफ से एक सुपर चैट है विदाउट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट शाबिर जी। और अभी लगभग 180-190 लोग देख रहे हैं, आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। और हाँ और दोस्तों को भी बताया करें लाइव सेशन के बारे में, हालांकि इस समय मैं रेगुलर टाइमिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं हर दिन कोशिश करता हूँ लाइव आने का और आप लोगों से बात करने का। तो आप लोग प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन आ सके मेरे लाइव जब मैं आता हूँ तब। और चलिए सवाल लेते हैं, और सवाल ये है सर पायस के मस्से है सर और क्या करें। देखिए पायस में अगर बाहर प्रोट्यूजन है, बाहर निकला हुआ है, तो इसके लिए आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 17 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें और कैल्केरिया फ्लोर 12X पोटेंसी में 6 गोली सुबह शाम लें। और मोस्टली आप पाइलन 4 ड्रॉप भी लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पाइलन 4 ड्रॉप आप 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन आप एक महीने तक लीजिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर बॉडी में वीकनेस है और दवा बताएं। देखिए वीकनेस अगर किसी के बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो अल्फ़ा टॉनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक है। अल्फ़ा टॉनिक एक ढक्कन सुबह शाम ज़रूर पीना चाहिए और जैल्सीनियम 30 और साथ में एकोनाइट 30 ये दोनों को ही आप बराबर मात्रा में मिलाएं और मिलाने के बाद 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर पिए। ये मेडिसिन आप एक महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे एक महीने और कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये दवा है। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है और ये सवाल है अल्फ़ा टॉनिक बहुत ही बढ़िया दवा है, अगर आपको शोबे की मिले, SBL की मिले या डॉक्टर रेक्पेक की मिले या HSL की अल्फ़ा
विथ ABCD मिले, कि कोई भी टॉनिक मिले आप ले लीजिए और यूज़ करिए, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। अमरेश सिंह जी का सवाल है, सर एज 12 फीमेल हैं, सिटी स्कैन रिपोर्ट माइल्ड एट्रोफी विथ गैलियोनिक नॉच इन द बायलेटरल फ्रंटल पेराइटल रीजन, अ फ्यू टीनी फोकी ऑन कैल्सिफिकेशन सीन ऑल्सो, ठीक होगा नहीं सर ये प्रॉब्लम? देखिए कैल्सिफिकेशन की अगर समस्या है और थोड़ी सी एट्रोफी भी हो गई है, हालांकि एक अच्छे न्यूरोसर्जन को या न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, जैसा लिखा हुआ आप अपने सिम्टम्स तो लिखा नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपने सिर्फ पैथोलॉजी लिखी है, जबकि होम्योपैथी में थोड़ा सा सिम्टम्स भी लिखने चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ कैल्सिफिकेशन के लिए अगर मैं आपको दवा बताऊं, तो कैल्केरिया फ्लोर 12x पोटेंसी में 6 गोली सुबह शाम यूज़ करें, और साथ में आप डॉक्टर रेकवैक की R12 ड्रॉप 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार लें, और पैथोलॉजी को देखते हुए, और साथ में जिंको बायलोबा मदर टेंचर और ब्राह्मी मदर टेंचर, ये दोनों मिला के 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुंदाकर जी का एक सुपर चैट है विदाउट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच मुंदाकर जी फॉर योर सुपर चैट। एक सवाल है, और ये सवाल है शुहल शाहुल पांडे जी का, और सवाल है, सर माय एज इज़ 32 ईयर फीमेल, शुगर भी है, हेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, लगभग 3 मंथ से R89 और स्कैल्प टोन टैबलेट नेटवर्क। हाँ तो पता नहीं आपका क्वेश्चन फिर से ले लेते शाहुल पांडे जी का, जो तो आप फॉल की हैं तो मोस्टली पूरे बाल तो कभी नहीं जाएंगे, इसकी आप टेंशन मत लें। R89 ना लें आप, हेयर केयर फॉलिंग टैबलेट लीजिए 2 गोली सुबह दोपहर शाम, ऐसे 100 दो बूंद सुबह शाम यूज़ करें, और साथ में आप थूजा 200 दो बूंद सुबह सुबह यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो ज़रूर ये मेडिसिन कंटिन्यू करिएगा अगर फ़ायदा हो और हेयर फॉल कम हो। एक सवाल है, और ये सवाल है, सर L4-L5-S1 में MRI में डिस्क बल्जिंग और डीजनरेशन डिसेक्शन आया है, बहुत पेन रहता है। देखिए L4-L5 में अगर समस्या है तो मोस्टली आप मेरा स्लीप डिस्क कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ करें, एक बार मेरा वीडियो देखिएगा, वो कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए डॉक्टर रेकवैक की या SBL की ड्रॉप डाइल्यूशन से, वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें, और 2 बूंद सुबह दोपहर शाम पियेंगे, और साथ ही साथ आप एक सिरप रोमा क्योर सिरप पेन के लिए 1 ढक्कन सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद लीजिए, तो स्लीप डिस्क कॉम्बिनेशन आप खाली पेट लीजिए और रोमा क्योर सिरप खाना खाने के बाद लीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है भावेश गढ़ा जी का, सर मदर की एज लगभग 65 है, जस्टिन कॉम्बिनेशन की मेडिसिन पोटेंसी में ले सकते हैं? नहीं नहीं, वो मदर टिंचर में ही फ़ायदा करेगी। मदर माय मदर प्रिफर्स टू टेक 2 to 5 ड्रॉप्स C-denine टू यूज़ 20 ड्रॉप्स। देखिए मैं क्या बोलूँ इसमें, 2 बूंद 3 बूंद में आराम नहीं लगेगा, तो आप मेरा बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन वाला वीडियो देखिए, वो डाइल्यूशन में आप यूज़ कर सकते हैं, और बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन 2 बूंद सुबह दोपहर शाम उन्हें दीजिए, अस्थमा में फ़ायदा लगेगा और कफ में भी फ़ायदा होगा। तो बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर है, अगर वो जस्टिन कफ कॉम्बिनेशन नहीं ले रही तो बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन ज़रूर ले सकती हैं। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच देखते हैं एक दो सवाल और आए हैं कि नहीं, और इस बीच एक सुपर चैट और है शवी जी की तरफ से, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट, और लगभग 180 लोग देख रहे हैं, 119 अभी तक फ़िलहाल लाइक हैं, तो आप सभी ने जिन्होंने लाइक किया है तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप लाइक करते रहें, यही मेरी
कामना है। चलिए सवाल लेते हैं, और थोड़ा सा नेट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आशा है कि आपको ऑडियो वीडियो ठीक ठाक रहा हो। एक सवाल है सर, माय एज इज 32, ये मैं आंसर दे चुका हूँ इनको। तो कुछ सवाल जो है यहाँ रिफ्रेश हो रहा है, हाँ रिफ्रेश हो रहा है। सर मुझे बहुत पिंपल्स हैं, ये चौहान जी का सवाल है। देखिए पिम्प्लेक्स टैबलेट यूज़ कर लीजिए, 2 गोली सुबह दोपहर शाम, और साथ में आप पायरोजिनम 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करिए, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। और लगाने के लिए बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर आप सुबह शाम लगाएं। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक लीजिए, आराम लगे तो इसे कंटिन्यू करें। बहुत ही बढ़िया और इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार देख लूँ कि लाइक चल रहा है कि नहीं, बढ़िया चल रहा है और कोई समस्या नहीं है। सर मुझे बहुत पिंपल्स है, इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है। देखिए यूरिन इन्फेक्शन के लिए आप युवा यूरिन इन्फेक्शन कॉम्बिनेशन मेरा ज़रूर देखें वीडियो, और युवा यूरिन इन्फेक्शन कॉम्बिनेशन आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर लीजिए, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। और साथ ही साथ आप एसिड बेंचो 1 200 दो बूंद सुबह सुबह, और कैंथेरिस 200 दो बूंद शाम को यूज़ करिए। ये मेडिसिन 1 महीने तक लीजिए, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर रेवो 007 जी का सवाल है सर, 35 ईयर फीमेल हैं, लगभग 20 ईयर से क्रॉनिक बैक पेन, स्टिफनेस, शोल्डर पेन और ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, और क्या झुकने में परेशानी होती है। MRI पे डॉक्टर ने एक्सरसाइज बोला है। देखिए एक्सरसाइज तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ही चाहिए, लेकिन अगर क्रॉनिक बैक पेन है तो उन्हें रक्सटॉक्स 30, रूटा 30 और बेलिस्पर 30 तीनों को मिला के 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर लेना चाहिए, और साथ में आप आर्निका 200 और विस्कम एल्बम 30 ये दोनों को मिला के 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर दीजिए। साथ में रूमाटोन या रूमाकोन नाम से आता है आजकल ऑयल, तो रूमाकोन ऑयल आपको सुबह शाम लगाना है। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, काफ़ी इफेक्टिव ये मेडिसिन है। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, और ये सवाल है सर, अश्वगंधा और ट्रिबुलस साथ में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप अश्वगंधा मदर टिंचर और ट्रिबुलस मदर टिंचर, थोड़ा सा अंतर देके इकट्ठा मिलाइएगा, नहीं उतना फ़ायदा नहीं करेगा। आप अश्वगंधा मदर टिंचर और ट्रिबुलस मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दोनों को थोड़ा अलग अलग लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टिफनेस वाला मैं आंसर ले चुका हूँ, और एक सुपर चैट और मयंक कुमार जी का था सर, R72 बेस्ट अल्टरनेटिव SBL एंड पैंक्रियाटिक कॉम्बिनेशन। देखिए SBL का तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, पैंक्रियास का कॉम्बिनेशन ऐसा अभी मैंने बनाया ही नहीं है। मुझे नहीं लगता R72 आप ले रहे हैं तो कंटिन्यू करें, इसका अल्टरनेटिव अभी मेरे क्या भी मैं जब तक नहीं बताता हूँ, जब तक मैं अपने क्लिनिक में दूँ ना और पेशेंट को आराम लगे ना, तो R72 के रिजल्ट्स हैं और उसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। SBL और R72 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा सा पैसे का, वो भी आजकल SBL की ड्रॉप भी 150+ आ रही हैं, तो इतना ज़्यादा आपको अंतर नहीं मिल देखने को मिलेगा, रिजल्ट्स तो अच्छे हैं तो उसे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब कभी मैं इस पे मेरे पेशेंट्स ठीक होंगे तो मैं आपको ज़रूर आंसर दे दूंगा। एक सवाल है, और ये सवाल है सर, मेरी वाइफ को यूरिक एसिड जो है वो 7.2 है, और मुझे नेक में वीकनेस और नर्व में जकड़न, और देखिए वाइफ की बात करते हैं, आपकी वाइफ का जो यूरिक एसिड है वो थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, 7.2 है, तो आप उन्हें एसिड बेंजोइक 200 2 बूंद सुबह शाम, और एसिड यूरिकम 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर दीजिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स में मिलते हैं। और ये मेडिसिन आप 1 महीने तक दीजिए, आराम लगे तो इसे कंटिन्यू करें 1-2 महीने तक, और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी का सवाल है सर, राहुल हेलो सर, हिप में साइनोवाइटिस के लिए होम्योपैथी में क्या इलाज है?
देखिए हिप में अगर आपका साइनोवाइटिस की प्रॉब्लम है, हिप इन्फेक्शन है, हिप जॉइंट में इन्फेक्शन है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो एपिसमेल 200 दोबुन सुबह सुबह और बेलाडोना 200 दोबुन शाम को ले सकते हैं। दोनों हिप दवा आप पढ़ लीजिएगा, सिम्टम्स मिले तो मेडिसिन कंटिन्यू करिएगा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। होम्योपैथी में हर चीज़ का इलाज है, बस अच्छा आपको कोई डॉक्टर मिल जाए, अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे तरीके से वो समझ जाए और आप अच्छे समझा सकें तो बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो आपके आसपास जो भी अच्छे डॉक्टर हो उनको भी आप दिखा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। मैं तो आपको दो मेडिसिन सजेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर वेट लॉस के लिए कोई दवा बताएं? देखिए वेट लॉस के लिए स्लिम एंड फिट कैप्सूल बहुत बढ़िया कैप्सूल है। एक कैप्सूल खाना खाने के एक घंटे पहले ज़रूर लीजिए और साथ में आप फाइटोलॉग का बेरी मदर टिंचर लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ये कभी पी सकते हैं। एक महीने तक ये मेडिसिन लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये दवा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है और ये सवाल है, सर जी GBS कॉम्बिनेशन ले आई कल से स्टार्ट करूंगी, फादर की एज 65 है। बिल्कुल आप ये मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे, गॉलब्लैडर स्टोन कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ में आप फैल्टियोरी 3x टाइचुरेशन टैबलेट में देना ना भूलें, 2 गोली सुबह दोपहर शाम, और कोलेस्ट्रोडिनम भी 3x में 2 गोली सुबह शाम ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अभी लगभग 180-190 लोग देख रहे हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल है, सर आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, माय फादर एज इज 78 और उनका RBC 3 है, TSH थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है लेकिन थोड़ा सा अपर साइड में है, हीमोग्लोबिन थोड़ा लोअर साइड में है, ESR थोड़ा बढ़ा हुआ है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की प्रॉब्लम है, सोडियम इतना है, ऑलमोस्ट 80% टाइम ही फील लॉट ऑफ वीकनेस एंड सजेस्ट गुड मेडिसिन। आपके यहाँ अगर जैल्सीमियम मिल जाए तो जैल्सीमियम 32 बूंद सुबह दोपहर शाम उन्हें ज़रूर दीजिए और साथ में आप थायरोडिनम 30 और थूजा 30 और कैल्केरिया कार्ब 30 ये तीनों को मिला के 2 बूंद सुबह शाम दीजिए, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है और ये सवाल है, सर मेरा पुराना रिंगवॉर्म कैसे ठीक होगा? देखिए कितना भी पुराना रिंगवॉर्म हो, आर्सेनिक एल्बम से वो ठीक होता है, थोड़ा समय ज़रूर लगे लेकिन ठीक होता है। आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद सुबह शाम आप पिए और साथ ही साथ आप अगर आपको सारसा सिरप मिल जाती है तो सारसा सिरप 1 ढक्कन सुबह दोपहर शाम आप ज़रूर पिए। तो ये 2 मेडिसिन आप लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया और इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा पुराना रिंगवॉर्म, इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। और एक सवाल है, सर टेस्टोस्टेरोन जो है वो लगभग इतना है, एज इतनी है, कोई मेडिसिन? देखिए सही है, टेस्टोस्टेरोन कम तो नहीं है आपका, नॉर्मल है जैसा आपने लिखा है अभी कुमार जी। तो आप चाहे तो अश्वगंधा मदर टिंचर, डैमियाना मदर टिंचर और जिनसेंग मदर टिंचर ये तीनों को आप बराबर मात्रा में मिला के 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स अगर आपको मिले तो कंटिन्यू करें। एक सवाल है क्षितेश सच जी के तरफ से, नेट ठीक चल रहा है? हाँ सही चल रहा है, कनेक्शन तो बता रहा है। तो अगर सितेश जी का ये जो सवाल है, सुपर चैट है विदाउट क्वेश्चन, अच्छा सितेश जी, सतीश जी का सवाल है, एक सुपर चैट और है राहुल जी का, हिप साइनोवाइटिस, इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। सतीश जी का कोई क्वेश्चन नहीं है। एक सवाल है सर, सिस्टर को चेहरे पर निकल गया, कहाँ गया सिस्टर को चेहरे पर? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। और एक बात रिफ्रेश कर लेते हैं क्वेश्चंस। पसीना बहुत होता है और मक्खी लगती हैं पसीने में। देखिए पसीना अगर आपको हद से ज़्यादा हो तो
डॉक्टर रेक्वेक की R32 ड्रॉप 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ये लगभग 1 महीने तक यूज़ करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। मक्खी पास आती हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए मक्खी आपके आसपास, एक्चुअली में आपके जहाँ घर है वहाँ गंदगी है, इसलिए मक्खी आपके पास आती हैं, आपके पसीने से आप मक्खी पास नहीं आती, इसका टेंशन मत लें। एक सवाल है और ये सुपर चैट है गोयल जी का और गोयल जी का सुपर चैट, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट। और एक सवाल है सर, बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर के साथ ओपन पोर्स के लिए कुछ यूज़ कर सकते हैं? देखिए ओपन पोर्स के लिए आप मार्क्सको क्रीम ज़रूर लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया क्रीम है, हैब्रेको कंपनी की आती है, रात में एक बार लगाएं, और साइलिशिया टॉलवैक्स 6 गोली सुबह शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सितेश जी का सवाल है सर, पापा को स्किन में लाइचन प्लेनस की प्रॉब्लम हो गया है, ईचिंग बहुत ज़्यादा है और इरप्शन बहुत सारे हो गए हैं, हेड में, फेस में, बैक में, हैंड में, आर्सेनिक एल्बम 30 टोबन सुबह शाम, बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर 6 गोली सुबह दोपहर शाम, और साथ में सारसा सिरप 1 ढक्कन सुबह शाम दीजिए, और थूजा 200 टोबन रात में। ये मेडिसिन उन्हें आप 1 महीने तक दीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, काफ़ी इफेक्टिव ये मेडिसिन है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है और ये सवाल है सर, बर्बेरिस डायबिटीज़ मेलाइटिस और एक्सेसिव वीकनेस, हंगर और यूरिन की प्रॉब्लम है, ये एब्रोमा एगस्टा क्यू योर कॉम्बिनेशन कुछ डायल्यूशन बताएँ। देखिए डायबिटीज़ मेलाइटस की प्रॉब्लम है और साथ में पेशाब ज़्यादा लगती है, पानी पीने का मन बहुत ज़्यादा करता है, भूख भी काफ़ी लगती है, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है मेल 71 का शुगर कंट्रोल नहीं है। जब ये सब सिम्टम्स हैं तो इनका मतलब है कि उनका शुगर ही कंट्रोल नहीं है। ब्लड शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो आप SCGC कॉम्बिनेशन 30-40 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दें, और फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो आप एक डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं और मेडिसिन वो भी लें और साथ में मेरी दवा भी लें। सबसे पहले उनका ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए और तभी ये जाके उनके सिम्टम्स शुगर के, डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं ये सब। तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, काफ़ी कंट्रोल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है शायद। तो अगर ये है तो पहले ब्लड शुगर कंट्रोल हो और फिर उसके बाद ही मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा, कुछ अलग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो SCGC कॉम्बिनेशन 40 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो आप एलोपैथिक मेडिसिन साथ में ज़रूर लीजिए, और खाने पीने में परहेज करें क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो परहेज के बिना ठीक नहीं होती। एक सवाल है सर, मॉम को गठिया की समस्या है। देखिए गठिया बात की अगर समस्या हो तो एसिड बेंजोइक 200 दोबुन सुबह शाम, अर्टिका यूरेनस मदर टेंचर, गुलथेरिया गोयकम रक्सटॉक्स मदर टेंचर, ये सबको मिलाएं, और मिलाने एसिड बेंजोइक अलग से लेकिन बाकी मदर टेंचर्स को मिलाएं, और मिलाने के बाद आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया ये दवा है। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर, क्या हम अश्वगंधा, इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। एक सवाल है सर, मेल डायबिटीज़ पेशेंट हैं, लगभग 57 ईयर के, फ्रोजन शोल्डर है, रूटा आर्निका स्पॉन्डिन ड्रॉप और SBL की 19 नंबर ड्रॉप मैं 1 महीने से ले रहा हूँ, आराम नहीं है। देखिए आराम नहीं है तो फिर भी वही बात होती है कि डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, आराम होना चाहिए, साथ में रूमाटोन ऑयल लगाने के लिए ज़रूर दें। तो मेडिसिन आपकी सही है और मेडिसिन आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, इसमें बायो कॉम्बिनेशन 19 नंबर को ना दें, ज़्यादा बेटर रहेगा, और उनको एक शुगर का कॉम्बिनेशन जैसे SCGC कॉम्बिनेशन दें, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और रूमाकोन ऑयल लगाने के लिए दिन में 3 से 4 बार, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा, बिन डायबिटिक पेशेंट में अगर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए, तभी जाके मेडिसिन उतना अच्छा असर कर पाती है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सुपर चैट है
और फ्लोटिंग, अच्छा ये इन्होंने एक स्टिकर भेजा हुआ है, कोई बात नहीं। और सदक जी का सवाल है, सर डिटेल अबाउट सेनेगा क्यू मेडिसिन। बिल्कुल इस पे मैं एक वीडियो ही बना दूंगा। हालांकि सेनेगा क्यू ज़्यादातर मैं दो तरह से यूज़ करता हूँ, तीन बीमारियों में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। एक तो आई डिसीज, ज़्यादातर आई की प्रॉब्लम्स में सेनेगा क्यू यूज़ करता हूँ, फ्लोटर्स की समस्या में यूज़ करता हूँ, और भी प्रॉब्लम्स में यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा सेनेगा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, खांसी में बहुत अच्छा काम करती है, तो वहाँ पर भी मैं सेनेगा क्यू यूज़ करता हूँ। पेट के लिए भी अच्छी दवा है ये, कभी कभी पेट की प्रॉब्लम में भी देता हूँ। एक सवाल है गोयल जी का, और ये सुपर चैट है विदाउट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट। और गोयल जी का ही एक सुपर चैट है, 50 ईयर फीमेल हैं और में स्टेज वन टू लम्स हैं 2 सेंटीमीटर के। सबसे बेटर है कि इसका ऑपरेट करा के कीमो और रेडियो कराएं, इसमें ज़्यादा टाइम ना दें, बढ़ने ना दें, अभी बढ़ा नहीं है तो अभी मैं कोई होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन तभी सजेस्ट करता हूँ जब एलोपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक डॉक्टर मना कर देते हैं, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन अभी फ़िलहाल उन्हें नहीं देना चाहिए, पहले कीमो और बाकी ऑपरेशन वगैरह ज़रूर कराना चाहिए, और उससे उनकी प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी, बढ़ेगा नहीं, तो बेटर ऑप्शन यही है उनके लिए। और कई लोग बोलते हैं सर इसमें बहुत पैसा लगता है, तो गवर्नमेंट में जाए, कम पैसा लगेगा, काफ़ी कम पैसा लगेगा उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। एक सवाल है सर, 780 आनंद जी का सवाल है, सर डायबिटीज़ है, फ्रोजन शोल्डर, रूटा, ये मैं आपको आंसर दे चुका हूँ आनंद जी को। और एक सवाल है, और ये सवाल वही है, बायोप्सी सेज फ्यू टिपिकल सेल, प्लीज़ टेल द मेडिसिन। सर्जरी तो नहीं करानी होगी, बिल्कुल करानी होगी और कराना तुरंत चाहिए, इतना टेंशन ना लीजिए, बढ़ जाएगा तो फिर आप पछताएंगे, और क्योंकि ये डायबिटिक पेशेंट हैं तो बेटर ये है कि आप तुरंत सर्जरी के लिए जाएं, जितना जल्दी हो सके सर्जरी और कीमो वगैरह करा के इसे ठीक करें। मेरा तो यही सजेशन है, मैं सही सजेशन देता हूँ, मैं कोई रिस्क की सजेशन नहीं देता हूँ कि आप ये दवा ले लीजिए और वेट करिए, वेट करवा के मैं अपने उसमें वो नहीं कर सकता, तो मेरा सही सजेशन है, और बाकी आपका मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। मैं अभी आपको मेडिसिन नहीं बताऊंगा क्योंकि बेटर बहुत कम स्टेट में, ये तो एक अच्छी चीज़ है कि हल्के स्टेज में पता चल गया है तो तुरंत ही आपको सर्जरी और कीमो करा लेना चाहिए। एक सवाल है मेघा अग्रवाल जी का, सर क्रॉनिक खांसी है और तेज खांसी आती है, फूड और डस्ट एलर्जी भी है, प्रेजेंट में हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट भी हुआ है, मेडिसिन बताएं। देखिए बहुत ज़्यादा खांसी आए तो रूमेक्स 30 और साथ में कालीबिस 30 और हायसमस 30, ये तीनों को मिला के 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर देना चाहिए, इससे उन्हें फ़ायदा होगा। और क्रेटेगस मदर टिंचर और साथ में जस्टिशिया मदर टिंचर, ये दोनों को बराबर मात्रा में मिला के 20 बूंद आधे का पानी में दिन में 2 बार लें। और बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर आती है, वो 6 गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे से 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया और इफ़ेक्टिव मेडिसिन और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक वर्मा जी का सवाल है, सर एपिडर्मल सिस्ट के लिए 2x1 mg वीक में 1 बार ले रहा हूँ और एपिस्मेल और रोडोडेंड्रॉन कैल्केरिया 4-6x डेली 3 टाइम्स अ डे रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है। देखिए कैसे पता चलेगा कि ठीक हो गया, छूने से तो पता चलना नहीं है, तो पहले आप मेडिसिन सही ले रहे हैं, सबसे पहली बात सही दवा है और ठीक होगा, थोड़ा समय ज़रूर दीजिए। और एक बार अगर आपका पुराना सोनोग्राफी है तो ये मेडिसिन 2 महीने तक लेने के बाद आप फिर से सोनोग्राफी कराएं और देखें कि कितना सिस्ट कम हुआ है, अगर कम हुआ है तो मतलब आराम है और फिर आप इसे कंटिन्यू करें जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो जाए। तो ऐसा करके कुछ दिन तक मेडिसिन ज़रूर लीजिए और बिना सोनोग्राफी के आपको छूने या देखने से नहीं समझ में आएगा कि फ़र्क पड़ा है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और लाइव सेशन समाप्त होने के कगार पे आ गए, 36 मिनट हो गए और रात भी हो गई है, 11 बजने वाले हैं, तो मैं भी सोने जाऊँ और आप सभी को गुड नाइट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।